सनातन धर्म के वेद पुराण और ग्रंथों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार विशेष पूजा और अनुष्ठान के लिए विशेष पर्व बताए गए हैं। इनमें से एक पर्व गोपाष्टमी है। इस पर्व में गाय, जिसे हमारे वेदों और शास्त्रों में गौ माता बताया गया है, उनकी पूजा की जाती है। इस दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। गौ माता की पूजा से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। रीवा में भी इस अवसर पर गौ पूजा का विशेष आयोजन लक्ष्मण बाग स्थित गौशाला में किया गया है, जहां विधि विधान के साथ गौ माता की पूजा की जाती है। कथावाचक ज्योतिष आचार्य देवेंद्राचार्य बताते हैं कि गोप का अर्थ होता है गाय और अष्टमी तिथि है, इसलिए गोपाष्टमी एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की विशेष पूजा की जानी चाहिए, गौ माता की आरती करनी चाहिए। सनातन धर्म के पुराणों और धर्म में कहा गया है कि गौ माता के अंश में, कान में, पूंछ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय शक्ति का स्वरूप है। जिस तरह से गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है, नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह गौ माता की पूजा करने से मन पवित्र होता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी, पहले तो गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, भारतवर्ष की जय। गोपाष्टमी, गोप मतलब होता है गाय, अष्टमी मतलब तिथि होती है। गोपाष्टमी गाय के रूप में, अष्टमी तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी एक गाय का पर्व है, जिस दिन हमको गौ माता की विशेष पूजन करनी चाहिए, अर्चन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। अपने सनातन धर्म में, पुराणों में, ग्रंथों में, वेदों में वर्णित है, कहा गया है और लिखित भी है, भगवान की वाणी भी है, गीता में भी कहा गया है कि गौ माता के अंश में, रोम रोम में, कान में, पूंछ में, इत्यादि में, पेट में 33 कोट देवी देवताओं का वास होता है। जैसे किसी बालक को नजर लग गई, सबसे प्रथम स्वरूप तो गाय एक शक्ति का स्वरूप है। जैसे गंगा नदी जो माता है, गंगा नदी है, यमुना सरस्वती सारे पाप को धुल देती है, पवित्र कर देती है मन तन धन को, ऐसे गाय की पूजा करने से मनुष्य के मन तन धन पवित्र हो जाते हैं। किसी बालक को नजर लगे, जैसे गाय की पूंछ की पूजन होती है, तो अधिकांश पता हो या ना पता हो, गाय के तो सब अंगों में बास है, कान इत्यादि में, पर विशेषतर गाय की पूंछ की पूजा बालक को लेकर झाड़ते हैं। क्यों झाड़ते हैं? क्योंकि गाय के पूंछ में हनुमान जी का वास है, हनुमान जी का वास गाय के पूंछ में है, और उस पूंछ से जब झाड़ा लगाते हैं, झाड़ते हैं, तो बालक की जो बुरी नजर होती है, इत्यादि होती है, सब दूर हो जाती है। और यहाँ तक तो जो है गाय के बारे में ये भी कहा गया कि गाय के दूध में 16 प्रकार के मिलियंस होते हैं, पाए जाते हैं, 16 प्रकार की औषधि पाई जाती है गाय के दूध में। आयुर्वेदिक के अनुसार गाय के दूध बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गाय के दूध पीने से बच्चा जो है इष्ट पुष्ट रहता है, उसकी बुद्धि जो है प्रखर होती है, बुद्धि जागृत होती है बच्चों की, और उसका पोषण बढ़ता है। इसलिए आप हम सबको विशेष गाय, वो पश्चिमी का पर्व विशेष जो है 20 तारीख को है, 20 नवम्बर को है। इस 20 नवम्बर को आपको, हमको और सब सनातन धर्म प्रेमियों को मिलकर जो है गौ माता की पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए, जिसके पूजा अर्चन वंदन करने से मनुष्य के समस्त जो है कार्य सिद्ध होते हैं और समस्त जो है दुख बाधा जो इत्यादि है सब दूर होते हैं। इसलिए विशेष जो है गोप अष्टमी की पूजन करनी चाहिए।